बंद कराए खिड़की दरवाजे पंडित जी। हाँ? हम पूछ रहे हैं कि खिड़की दरवाजे बंद किए? बज गए हैं, लेट जाइए, नींद नहीं आ रही। कुसुम, ये दीपा कब तक रहेगी यहां? हमें तो नहीं बताया, लेकिन ज्यादा दिन तक तो नहीं रुक पाएगी, दिल्ली में काम चल रहा है ना उसका। लेकिन आपने क्यों पूछा? नहीं, वो अभी कह रही थी कि पापा आप टेंशन मत लिया कीजिए, हम हैं ना। कह दिया बस, हम हैं। कहाँ है वो? वो तो चली जाएगी ना। आप चाहते हैं वो रुके? एक तो वो खिड़की कब से फट 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 कर रही है, बंद क्यों नहीं की तुमने? पंडित जी। हाँ? इतना मत सोचिए, चलिए चल के लेट जाते हैं, नहीं तो आप भी नहीं सोएंगे और हमें भी नहीं सोने देंगे। बस आंख बंद करके पड़े रहिए, अपने आप नींद आ जाएगी। आइए। भैया ये सब क्या है, पापा के नकली साइन? बताता हूं तुम्हें, देखो ये जो तुम समझ रही हो ना गलत है। रियली? आप पापा के साइन फोर्ज कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम गलत है? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे साइन फोर्ज कर रहे हैं क्योंकि वो समझते ही नहीं है। बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, अगर मकान के पेपर से सिक्योरिटी दिए नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? और मकान नहीं रहेगा तो अम्मा पापा क्या करेंगे, ये सोचा कभी? मकान क्यों नहीं रहेगा, हम मकान बेच थोड़ी रहे हैं। अरे बिजनेस होगा, पैसे आएंगे, वापस पेपर से ले लेंगे, कुछ समय की बात है। दीपा मेरी बात सुनो, ये हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, जब बिजनेस करेंगे पैसे घर पे आएंगे, सिर्फ हमारे पास नहीं आएंगे। ये हम चाहते हैं अम्मा पापा बुढ़ापे में खुश रहें, आराम से रहें, पाई पाई के लिए उन्हें मोहताज ना होना पड़े। हम नहीं समझ पा रहे भैया। क्या नहीं समझ पा रही हो तुम? दीपा इधर हमारी तरफ देखो, तुम्हें चिंता लगी रहती है निशा की, उसके फ्यूचर के बारे में सोचती हो, राइट? जस्ट इमेजिन, जब बिजनेस हम करेंगे, जब बिजनेस चलेगा तब हम तुम्हें दिल्ली से यहाँ बुला लेंगे, यहाँ अपना बुटीक खोल लेना बनारस में, साथ साथ मिलकर हम बिजनेस भी कर सकते हैं। हम कपड़े मैन्युफैक्चर करेंगे, तुम ड्रेसेस बनाकर अपनी बुटीक में बेचना। सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें मटेरियल के लिए अपफ्रंट पेमेंट भी नहीं करना होगा। क्या सोच रहे थे कुसुम, इतने बड़े घर में दो ही बाथरूम हैं, एक और बनवा लें,
पंडित जी, यही कितने लोग घर में, आप है, हम है, पुर भी है, और आलोक अगर ठहर जाए तो बस वो और उसकी पत्नी, दो बाथरूम तो काफी है। हाँ। वह तो तुम ठीक कह रही हो, हमने शायद दीपा और ईशा को भी काउंट कर लिया था। दो बाथरूम बहुत है, सही कह रही हो तुम, अपना घर भी कितना बड़ा है ना। बुजुर्गों ने शायद ये सोच के बनवाया था कि सब लोग इकट्ठे रहेंगे, पहले तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था ना, सब इकट्ठे रहते थे। उन्हें क्या पता था जमाना बदल जाएगा, सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, परिवार बिखर जाएंगे। चलो ठीक है, बदलते जमाने के साथ आदमी को बदल जाना चाहिए, अपने आप को नए जमाने के साथ ढाल लेना चाहिए, है ना। सही कह रहे हैं आप पंडित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। मन छोटा मत करिए, जब आलोक और उसकी बहू आ जाएंगे ना तो ये सोचिए इतना बड़ा घर काटने को नहीं दौड़ेगा, है ना। शुरू हो जाए। गुड नाइट। इधर देखो दीपा, कितना अच्छा लगेगा जब हम साथ रहेंगे, ये घर फिर से भर जाएगा, खुशियां लौट आएगी इस घर में। और अम्मा भी तो ये चाहती है ना, पापा हमें मिस करते हैं, हम जानते हैं, वो चाहते हैं कि हम साथ साथ रहें। दीपा दीपा, उनके खुशियों के लिए, उम्मीदों के लिए, उनके साथ रहने के लिए हमें बनारस में कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, ताकि हमें वापस ना जाना पड़े। गलत कह रहे हैं हम? नहीं, गलत कह रहे हैं तो बोलो, सोच के देखो यार। दीपा मेरी तरह देखो, बस इमेजिन हम सब साथ साथ रह रहे हैं, खुशी खुशी एक साथ। ऐसा करो, तुम बैठो यहां, बैठ के एक मिनट ठंडे दिमाग से सोचो। आओ आओ मेरे साथ आओ, चलो। के साइन चाहिए इस पेपर पर, एफिडेविट है ये। वरना हम बिजनेस नहीं शुरू कर पाएंगे। पर अम्मा पापा से प्लीज,
अम्मा पापा की खातिर कर रहे हैं दीपा, प्लीज गलत मत समझना। पंडित जी आप भी क्या कर रहे हैं, आप सो क्यों नहीं रहे? पता नहीं कुसुम, बहुत घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बहुत बुरा होने वाला है। हमें मालूम है, तुम तो कहोगे कुछ नहीं है पंडित जी, सब ठीक ठाक है, आपका वहम है। एक तो तुमने सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर रखे हैं, सांस ही नहीं आ रही है, आदमी सांस ले तो कैसे ले, घबराहट तो होगी ना। अरे 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 आप कहाँ जा रहे हैं, रुकिए तो पंडित जी। बाहर आंधी तूफान में क्या कर रहे हैं? क्या हुआ अम्मा, आप लोग सोए नहीं अभी तक? तुम्हारे पापा का मन घबरा रहा है, कह रही उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है बेटा। पापा क्या अनहोनी हो सकती है, मुझे लगता है आपको एंजाइटी हो रही है। दवाई मंगवा दूं या फिर कुछ गरम? दीपा पापा के लिए गरम दूध ले आना। हाँ हम अभी लाते हैं। अरे पंडित जी, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरि नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। गई रात की आंधी में इतना कचरा उड़ के आ गया पंडिताई कि हम परेशान हो गए साफ करते करते।
पंडिताइन, अब क्या करें? रहने दे, कसाब करें, चाय नाश्ता भी तो देखना है। श्श, बेबी, धीरे बोल, पंडित जी सो रहे हैं। क्या हुआ अम्मा? पापा रात को सोए नहीं थे क्या? वैसे भी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी रात को। बुढ़ापे में ऐसी घबराहट तो ठीक है, लेकिन गलत ना, कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गए। उनको लग रहा था कि कुछ अशुभ होने वाला है। रात को कितना बवंडर, तूने तो देखा ना, इतने पत्ते देखो और बड़ बड़ बड़। हम तो मनाते रहे कि हे भगवान, बला टले बला टले। बहुत परेशान हो गए, बहुत डर रहे थे। ऐसा लग रहा था बेटा जैसे किसी अशुभ चीज का संकेत हो। अरे अम्मा, सब भवंडर अशुभ नहीं होते। ये देखे, रख दे, रख दे, रख दे, ये देखे। क्या है मास्टर जी के गांव से? मास्टर जी के गांव से? हाँ। क्या है? अरे अम्मा, कल रात आंधी में इतनी अंबिया गिरी कि पूछो मत, पूरा का पूरा खेत ही भर गया। अरे घनी राम ने बोरी भेजी। बताइए अब शुभ हुआ कि अशुभ? हेलो, बताओ शुभ कैसे हुआ? मास्टर जी के गांव में इतनी बढ़िया अमराई थी, देखो आम तो कच्चे ही गिर गए, नुकसान हुआ ना? अम्मा, नुकसान कैसे हो? अभी जो कच्चे आम आ गए हैं, तो तुम तो डालोगी ना इसका अचार, और वो अचार अपने हाथों से परोस के हमें खिलाओगी, और उस अमृत को हम खा के हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। हा? तो पके आम या अमृत, बताओ किसका फायदा हुआ? थप्पड़ का फायदा हुआ, थप्पड़ का। बहुत चालाक है तू, इससे मुझे खुश करने के लिए बोल रहा है ना? नहीं अम्मा जी, काशी भैया एकदम सही कह रहे हैं, आपके हाथ के आम का अचार तो मतलब एकदम वर्ल्ड फेमस है। हम और काशी भैया जब खाते हैं ना, हमको तो डर लगता है कहीं हम साथ में उंगलियां ना खा जाएं। सच में तुझे भी मार पड़ेगी। अचार बनाओ, बदमाश। एक तो दीपा इतना बड़ा हो गया फिर भी लिपटा चिपटी कर सकते। ठीक है, तुझे पसंद है ना अचार, हम डालते आज, 15 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है? अरे वाह आपका अचार! अरे वाह, ये क्या है? कच्चे आम आंटी जी, हमें दीजिए। अरे यम, धो के तो खा कम से कम। आंटी जी बहुत टेस्टी है, इतना अच्छा है कि हमसे तो रहा ही नहीं गया। बहुत अच्छा है। अरे कैसे खा लेती हो तुम लड़कियां, इतना खट्टा। अरे कैसे खा लेते हो तुम लड़के, इतना भाव। संभल के काशी, लड़की बहुत तेज है, नाक कान काट के ले जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने दीपा बुआ, बहुत ही खतरनाक लड़की है। अच्छा? हाँ। हम खतरनाक है? हाँ। तो तुम क्या हो, भोलेनाथ के भक्त? हाँ? वो तो हम हैं। उर्वी, उर्वी, तूने मरवा दिया, जगा दिया ना पंडित जी को। बुला रहे पंडित जी तुझे, जा। आ रहे अंकल जी, आ रहे हैं। जा 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 जा। जी अंकल जी, जाओ जाओ, चौके पे रख के आओ। मां चार चार जाओ 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 जाओ। दीपा, तू फिर से पापा के करीब आना चाहती है ना? तू उनका मन समझ, ये मत सोच कि वो लड़की पापा के करीब है कि नहीं, ये सोच कि उस लड़की को अपना के तू पापा के मन को जीत सकती है। दरवाजा बंद कर दो बेटा। दीपा जी, पंडित जी को ऐसी का बात करनी थी पूर्वी दीदी से,
कि दरवाजा बंद करवा दिया। तुझसे क्या मतलब? जा अपना काम कर।